मिक्सोलेडियन स्केल। एक्चुअली मिक्सोलेडियन स्केल को इंडियन क्लासिकल में हम थाट खमाज कहते हैं। तो खमाज थाट के जो नोट्स रहेंगे वही मिक्सोलेडियन स्केल में चलते हैं। तो मिक्सोलेडियन और खमाज थाट एक प्रकार से एक ही स्केल होता है। इंडियन क्लासिकल में इसको क्या कहते हैं, खमाज थाट, और इंडियन वेस्टर्न के अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं, हम मिक्सोलेडियन स्केल। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। तो जैसे कि ये मैं बजा रहा हूँ, ये क्या है, मिक्सोलेडियन के नोट्स हैं। तो गाइस देखिए, आपको ये गिटार का फ्रेटबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, आई होप। तो आज समझेंगे हम मिक्सोलेडियन स्केल। एक्चुअली मिक्सोलेडियन स्केल होता क्या है, देखिए समझते हैं हम सी मेजर स्केल से। तो गाइज आप कहेंगे आप सी मेजर से क्यों सिखाते हैं, तो मैं आपको डिटेल बता दूं। मैं सी मेजर से अधिकतर क्यों बताता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी शार्प नोट नहीं होता है। यदि मैं किसी और स्केल से बताऊंगा तो उसमें कोई ना कोई शार्प नोट ज़रूर होगा, और फिर और आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे। इस वजह से मैं सी मेजर स्केल से बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जो मैंने बता ही दिया है आपको कि मैं सी मेजर स्केल से इसको बताऊंगा, तो सी मेजर स्केल में हमारे कितने नोट्स होते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, फिर सी आ जाएगा, यानी कि कितने नोट रहेंगे, सेवन नोट्स रहेंगे। सा रे गा मा पा धा नी, एंड देन आठवें नंबर का नोट क्या आ जाता है, ऑक्टेव, फिर वही आ जाएगा। तो फ्रेट बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए जैसे कि ये मैं सी से बता रहा हूँ, ये सी डी ई एफ, सी मेजर स्केल प्ले करते हैं पहले, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो गाइस हमने पहले क्या करना है, सा रे गा मा प्ले करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी गा पा मा गा रे सा। अब इसमें जो फिफ्थ नंबर का नोट है, यानी कि फिफ्थ डिग्री कहेंगे, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डिग्रीज क्या होती हैं। वैसे मैं बता दूं, जल्दी से बता देता हूँ। देखिए सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये जो नोट्स होते हैं ये डिग्रियों में ही होते हैं। जैसे कि पहली डिग्री सी, दूसरी डिग्री डी, तीसरी डिग्री ई, चौथी डिग्री एफ, फिफ्थ डिग्री जी, और ये सिक्स डिग्री ए, एंड सेवन डिग्री हमारी क्या रहे, ए एंड सेवन डिग्री क्या रहेगी, बी, एंड एट ऑक्टेव, यानी कि एक पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, चौथी डिग्री, पांचवी, छठी, सातवीं, देन ऑक्टेव। तो ये डिग्रीज होते हैं, 60 डिग्री होती है एक स्केल के अंदर। डिग्री तो 8 भी बोल सकते हैं ऑक्टेव को, 9 डिग्री भी बोल सकते हैं, जो जो आठवें से अगला नोट आएगा डिग्रीज में बोल सकते हैं। तो इसका सी डी ई एफ जी, ये जो जी नोट है ये कौन सी डिग्री है बताएं, ये फिफ्थ नंबर की डिग्री है, फिफ्थ नोट कहेंगे इसको। कैसे, 1 2 3 4 5, सी मेजर स्केल के अकॉर्डिंग। ये जो पांचवा नोट होता है ये हमारा कौन सा होता है, जी। तो इसी को अगर हम जी नोट से सी मेजर स्केल बजाएं, जी नोट से सी का ही स्केल प्ले कर दें, तो मिक्सोलेडियन स्केल बन जाता है। तो ये जी का नोट हमको यहाँ पर भी मिलता है, तो ऊपर से हम समझेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं। ये जी का नोट होता है क्योंकि जी का कोड आप ये पकड़ते हैं, ये वाला जो नोट है ये जी का होता है, यहाँ से जो फ्रेट बोर्ड नंबर 1 2 3 पर ऊपर का जो स्ट्रिंग है ये जी का नोट होता है। तो यहाँ से अगर हम
सी के नोट को बजाएंगे तो हमारा कौन सा पड़ेगा, मिक्सोलेडियन। तो कैसे आइए, या इसका आप दूसरा तरीका भी एक है, आप क्या करिए जी मेजर स्केल प्ले कीजिए। तो पहले इससे समझते हैं हम कैसे, पहले क्या करेंगे हम जी मेजर स्केल बजाएंगे, सा जी का, सा रे गा मा पा धा नी सा। यदि जी के नोट नहीं आते हैं तो मैं एक एक उंगली से बता रहा हूँ, समझ लीजिए। सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें क्या करना है, ये जी मेजर स्केल पे लेके आया है, इसका क्या करना है, जो 7 नंबर का नोट होता है नी नोट जिसको हम कहते हैं, इसको क्या कर देना है, हाफ नोट फ्लैट, इस नोट को क्या कर देना है, फ्लैट कर देना है। कैसे, सा रे गा मा पा धा। अब नी ये तास 7 नंबर का नोट, इसको क्या कर दो, फ्लैटन। तो ये क्या हो जाएगा, या आप इसको कहेंगे हाफ नोट क्या कर दो, फ्लैट। तो नी क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, इसको कहते हैं कोमल नोट। तो सा रे गा मा पा धा नी कोमल सा। अब सा नी कोमल धा पा मा गा रे सा। अब क्या हो गया है, मेजर स्केल में नी को कोमल कर दिया है, यानी कि सिर्फ एक नोट चेंज किया है हमने नी का, इसको क्या कर दिया है, फ्लैटन। तो हमारा कौन सा मोड बन जाएगा, ये मिक्सोलेडियन। और इसको ये कौन सा मोड बन जाएगा, मिक्सोलेडियन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, थाट खमाज, इंडियन क्लासिकल के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता ही है, मैं इंडियन क्लासिकल टाइप से आपको गिटार बताता हूँ, मैं वेस्टर्न भी बताता हूँ किस प्रकार से चलता है, और इंडियन भी बताता हूँ आपको। तो आप क्या समझेंगे, अब सा रे गा मा पा धा नी कोमल सा। अब सा नी कोमल धा पा मा गा रे सा। और ये जो नोट मैं बजा रहा हूँ मेजर स्केल के, ये शुद्ध जाएंगे सारे, सा शुद्ध रहेगा, रे भी शुद्ध रहेगा, सा रे शुद्ध, गा ये भी शुद्ध रहेगा, माँ ये भी आपको शुद्ध लगाना है, पा धा नी कोमल सा, सा नी कोमल धा पा, या कहेंगे सा, ये तो शुद्ध ही रहता है, नी कोमल रहेगा, धा शुद्ध रहेगा, पा शुद्ध रहेगा, माँ शुद्ध रहेगा, गा शुद्ध रहेगा, रे शुद्ध रहेगा, और सा। अब ये ही कंडीशन हम जी जी के जहां पर भी नोट मिलते हैं हम वहां पर बना सकते हैं। तो एक जी हमको यहां पर मिलता है, आप यहां से भी बना सकते हैं, एक जी यहां पे मिलता है। कैसे, अब ये नोट है, ये वाला जो आप कोड पकड़ते हो ये भी जी का ही कोड है, और ये वाला भी जी ही का। तो ये जी की क्या है, सेकंड पोजीशन है। तो ये वाला नोट है, ये जी का है, आप यहाँ से भी निकालना चाहेंगे यहाँ से भी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो, अब ये सा हो गया, सा रे धा, ये शुद्ध नोट है। अब इसको क्या करना है देखो, सा रे, अब ये कोमल धा पा मा गा रे
मैं एक एक नोट बजा रहा हूं, इसका भी देख लीजिए आप। तो ये मिक्सोलेडियन जो मोड है, ये मेजर मोड होता है गाइस, इसको याद रखना। हमारे स्केल के अंदर, सी मेजर स्केल के अंदर, तीन नोट मेजर मोड के होते हैं। तो उसके ऊपर डिटेल में मैं कभी वीडियोस बनाऊंगा, आज आप इतना समझिए। हमारा जो आयोनियन मोड है, जो पहला मोड होता है सी का, ये भी मेजर मोड होता है। और दूसरा मोड मैंने आपको क्या बताया, ये वाला मिक्सोलेडियन, ये भी मेजर मोड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं कुछ भी। और यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। मैं आपके कमेंट से बड़ा ही खुश होता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बाग अगर कमेंट करते हैं। तो यदि कुछ भी आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपना, आपको कुछ भी पूछना हो इंडियन क्लासिकल में या वेस्टर्न में, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी आपको, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे DM कीजिएगा, मैं उस पर डिटेल बनाने की, वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू गाइस।